हाँ जी हमारे उड़ीसा में क्या मौरसी है 84 जन्मों की उड़ीसा में है? अरे उड़ीसा में 84 जन्म लिए हैं क्या? हमारी उड़ीसा कैसे? हेलो, किसने बोला? हाँ चलो भाई, तुम्हारी उड़ीसा। हाँ उड़ीसा में क्या होता है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, उड़ीसा में क्या सभी जगह खुल रहा है? अभी तो विदेशों में भी खुलेगा। हाँ और बाबा यज्ञ की हिस्ट्री 36 1936 में यज्ञ की हिस्ट्री बताओ। यज्ञ की हिस्ट्री बताएं और कौन कौन सी कथा बताएं? और बताएं कि बेलाल सेन घटोत्कच और बब्रुवान नागार्जुन और अभिमन्यु के बारे में ये सब कुछ बताते रहे। ये नाम कहाँ से उठाए? शास्त्र से, महाभारत में भी है। तो शास्त्रों की बातें सुनाए कि बाबा जो बातें सुनाते हैं सो सुनाए? जो सदा के लिए जो पूछते हैं तो है, सदा के लिए तो और पूछते हैं। हाँ ज्ञान की बातें पूछो। मुरली में जो बातें बाबा ने भूसा बताई दी, तो भूसे की बातें ना उठाओ। बाप जो सार सार की बातें शास्त्र में सुनाते हैं, उन शास्त्र की बातों को भूल करके सार की बातों को उठाना है। तो बाबा बोलते हैं जो कृष्ण की आत्मा इसमें बाबा चलाते, जो खांसी आते है तो बाबा छोड़ कर चले जाते, फिर आते हैं। फिर अभी कैसे चलता है खांसी? कैसे चलता है माने शरीर, खांसी शरीर को आती है कि आत्मा को आती है? हैं? शरीर को आती है। और उस शरीर में एक आत्मा है या तीन आत्माएं हैं? आत्माएं तीन है। एक आत्मा तो ऐसी है जो अभोक्ता है, उसको खांसी आंसी के रोग आदि कोई भोग कर्म भोग है ही नहीं। बाकी दो आत्माएं ऐसी हैं जिनको अपना अपना कर्म भोग है। तो मरते दम तक ब्रह्मा बाबा की खांसी ठीक हुई क्या? है नहीं ठीक हुई। तो खांसी का रोग जहां कहीं जिन बच्चों में प्रवेश करेंगे, रोग आ सकता है कि नहीं आ सकता है? है बोलो, आ सकता है तो आ जाता है। हाँ ये जरूर बोला है, अगर याद में ज्यादा रहेंगे तो रोग भी खलास हो जाएगा। याद की ताकत से तुम रोगों के ऊपर भी विजय पावेंगे। आगे चल करके ये दवाइयां आदि काम नहीं करेंगी। ताबड़तोड़ विनाश होगा, मौत का बाजार गर्म होगा, ये दवाइयों के कारखाने ही बंद हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? दवाइयां मिलेंगी नहीं, डॉक्टर मिलेंगी नहीं, हॉस्पिटल मिलेंगी नहीं, तब क्या करेंगे? बाप की याद से ही हम निरोगी बनेंगे। और वो घर बड़ा बनाया जाता है तो कपड़ा कहाँ से लाएं?
हाँ, बड़ा कोषगर बनाएंगे तो ज्यादा चमड़ा निकलेगा। चमड़ा माने बाबा कहते हैं ना, जो चमार होते हैं वो क्या देखते हैं, उनकी बुद्धि काय में लगी रहती है, चमड़ी में लगी रहती है। कोषगर बड़ा बनेगा तो चमड़ी की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा। गायों के कोषगर बनते हैं तो उनमें कुरुम पैदा होती है, कुरुम से बहुत कमाई होती है, कुरुम के जूते बहुत कीमती होते हैं। कैसे बनते हैं? गाय की खाल से बनते हैं। तो जितने कोषगर जास्ती खुलेंगे, जूतियां ज्यादा बनेंगी या कम बनेंगी? हैं? ज्यादा बनेंगी, वो हद की बात है, यहां बेहद की बात है। बाप आकर के ये कोषगर बंद कराते हैं, वो हद की गायें हैं और यहां बेहद की गायें हैं। और बाबा जब 4.5 लाख आत्माएं बाबा के घर में भट्टी कंप्लीट कर लेगी, तब के उसके बाद भी भट्टी चलेगी या बंद हो जाएगी? भट्टी में पकाने के लिए ईंटें डाली जाती हैं या बिना किसी कारण के ईंटें डाली जाती हैं? पकाने के लिए ईंटें डाली जाती हैं। जो पक्की पक्की आत्माएं उनको 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, या कच्ची आत्माओं को भी 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। तो टोटल पक्की आत्माएं दुनिया में कितनी निकलेगी भट्टी में से? है, है? 9,16,108 निकलेंगे। इसके बाद भट्टी करके क्या करेंगे? उनमें 4.5 लाख तो हैं शरीर सहित, और 4.5 लाख ऐसी आत्माएं हैं जो प्रवेश करके पाठ बजावेंगी, तो 4.5 लाख की ही भट्टी होगी, बाकी की क्यों होगी? और होगी तो वो खंजर बन जावेंगे, सेम रह जावेंगे, कच्चे हो जावेंगे या पक्के बनेंगे? कच्चे रह जावेंगे। है, अभी पीछे आने वाले आगे नहीं जा रहे हैं, लास्ट में आने वाले फास्ट नहीं जा रहे हैं। हाँ, और गहराई से देखा जाए तो वो लास्ट वाले हैं भी नहीं, पीछे जन्म में पहले आए थे। जो पहले आए थे यज्ञ के आदि में आए थे, अभी भल लास्ट में आए हैं तो भी लास्ट सो फास्ट चले जाते हैं। अष्ट देवों की जिन्हें गिनती की जाती है, वो मध्य में दिखाई पड़े क्या? नहीं देखने में आए, बोल दिया 92-93 से अष्ट देव की आत्माएं आना शुरू होती हैं, तो लास्ट में आई ना, फिर भी ऐसे देवों की लिस्ट में चले जाते हैं। जिनको दीदी दादी दादाएं कहा जाता है वो उस लिस्ट में नहीं आते हैं। उस लिस्ट को तो छोड़ो, 108 की लिस्ट में भी नहीं आते। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में उसी टाइम में आते थे, और अभी प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है, तो परम धाम क्या खाली रहता है? शिव बाप आते हैं
तो काम पूरा करके जाते हैं या बीच बीच में आना जाना लगा, बाल बच्चों को देखना है क्या वहां? वहां घर परिवार कोई स्पेशल बसाया हुआ है? कहां? परमधाम में सारा परिवार कहां आ गया? शिव बाप का सारा परिवार बेहद का आ गया इस दुनिया में, तो बाहर आकर के क्या करेंगे? हाँ जी, प्रॉपर सही में पाठ बजाते हैं तो उन्हें धर्मराज को सजा क्यों नहीं पाते? अष्टदेव द्वापर और कलयुग में भी पाठ बजाते हैं तो उन्हें धर्मराज को सजा क्यों नहीं मिलती? धर्मराज सजा क्यों नहीं मिलती है? माना संगम युग में विशेष पाठ नहीं बजाते हैं? है? तो जो ऊंचे थे ऊंचे युग में ऊंचे थे ऊंचा पाठ बजाते हैं उनके लिए ये निश्चित है कि जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनको दंड नहीं दिया जाता। और एडवांस नॉलेज में आकर जब जो शरीर छोड़ देता है उनका गति क्या हो? वो दोबारा फिर जन्म लेते हैं क्योंकि बुद्धि में नॉलेज पड़ी हुई है कि हमें इसी शरीर से जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है, तो दोबारा जन्म लेंगे, जन्म लेकर के फिर पुरुषार्थ करेंगे, तीव्र पुरुषार्थी बन करके और शरीर सहित जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। सुदामा और विद्रोह का रहस्य है? सुदामा और विद्रोह, सुदामा कहते हैं जो चावल लेकर खुद भजन लेकर के और गए श्री कृष्ण के पास, वो इनको छुड़ा करके ले लिया श्री कृष्ण। हाँ जी, सुदामा कोई दूसरा थोड़ा ही है। सु माने सुंदर और दामा माने रुपया पैसा, जिसके पास सुंदर दाम है, सुंदर सुंदर ज्ञान रतन है, उसी का नाम शास्त्रों में सुदामा रख गया। वो सुदामा कृष्ण के पास दो मुट्ठी चावल लेकर जाता है। ये दो मुट्ठी चावल कोई स्थूल चावलों की बात नहीं है, एक मुट्ठी है राइट हैंड में और एक मुट्ठी है लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में है विजयमाला की मुट्ठी, विजयमाला के दाने, विजयमाला के चावल तंदुल, जिनके आत्मा का देह अभिमान रूपी छिलका उतरा हुआ है, ऐसा पुरुषार्थ उन्होंने किया है। उनका संगठन रूपी मुट्ठी बनाकर ले गए और दूसरा लेफ्ट हैंड में रुद्रमाला के मणके, वो तंदुल जिनका देहबान का छिलका उतर जाता है पुरुषार्थ करने के बाद, वो मुट्ठी भी ले जाते हैं। ये दो मुट्ठी चावल उन्होंने ले लिए तो दो जहान का उनको मालिक बना देते हैं। वेद की बातों को हद में उन्होंने उठा लिया है, गाते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि दो मुट्ठी स्थूल चावल देने से कोई विश्व की बादशाही मिल जाती है, ये तो सेवा की बात है, पुरुषार्थ की बात है। ये छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में से रुद्रमाला जैसी आत्माओं को इकट्ठा करना, संगठन बनाना, और विजयमाला जैसी श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं का संगठन बनाकर ईश्वर के सामने समर्पित करना,
उन्हें अपने स्वार्थ के काम में नहीं लगाना, ईश्वरीय सेवा में अर्पण करना, यही दो मुट्ठी चावल अर्पण करना है। और बाबा जी, विजय माला और विजय माला का अलावा जो विष्णु माला कहा जाता है, विष्णु माला ही विजय माला है। विजय प्राप्त करने वाला न ब्रह्मा है, न विजय प्राप्त करने की आकांक्षा शंकर को है। विजयी कौन है? विष्णु विजयी है, तो वो ही विजय माला है। विष्णु का माला क्या? विष्णु का मतलब ये है जिसमें नो विषय टाल, विषय विकार का नाम निशान नहीं है पुरुषार्थ पूरा होने के बाद। अलग माला बनती बनती क्या है? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो ही विजय माला में ऐड करके पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के मणके बन जाते हैं, उसको संपूर्ण विजय माला कहा जाता है। रुद्रमाला तो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, इन भारत के राजाओं ने तो अपवित्रता धारण की है। अपवित्रता को धारण करने के कारण वो विश्व की बात चाहिए अकेले नहीं ले सकते, ज्ञान लेने के हकदार बन जाते हैं। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ये भगवान के प्यारे बच्चे बन जाते हैं, लेकिन विश्व की बादशाही तब तक नहीं मिल सकती जब तक पवित्र न बने। तो पवित्रता को प्राप्त करने के लिए उन्हें अंधों की जरूरत पड़ती है। ये अपवित्रता के लंगड़े हैं, इसलिए शास्त्रों में कथा आई है अंधे और लंगड़े की। विषय सागर को या विषय वैतरणी नदी को ये लंगड़े पार नहीं कर सकते, अंधे भी पार नहीं कर सकते, लेकिन दोनों के मेल से वो विषय सागर पार हो जाता है। अंधा रास्ता नहीं जानता है, नहीं देख सकता है, लेकिन पुरुषार्थ में दौड़ तो सकता है कि नहीं दौड़ सकता है? दौड़ सकता है अगर उसको रास्ता बताने वाला मिल जाए तो। लंगड़ा दौड़ नहीं सकता लेकिन रास्ता तो बता सकता है। तो दोनों के सहयोग से दोनों कार्य संपन्न हो जाते हैं। उसको कहा जाता है अधांगिनी। और नीति नीति जो साधु बोलते हैं, नेति नेति न इति, हम उसके अंत को आदि को नहीं जानते। हाँ, तो जो ऋषि मुनि है उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि हम भगवान के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आदि क्या है, अंत क्या है, हम जानते ही नहीं, क्योंकि वो सच्चे थे इसलिए ऐसा कहते थे। आज के मनुष्य झूठ हैं तो कह देते हैं हम तो जानते हैं, हमारे में है तुम्हारे में है। आदि भी जानते हैं और हम अंत में अंत भी जानते हैं, हमने उसका अंत पा लिया। सारी दुनिया में ढूंढा कहीं मिला नहीं तो कह दिया से वो हम। और दो हजार अठासी 98 में
क्या हुआ एक होता है ब्राह्मण का साधारण जन्म। हम सब क्या हैं? ब्राह्मण हैं या शूद्र हैं या वैश्य हैं? ब्राह्मण हैं। तो कृष्ण वाली आत्मा भी पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है? ब्राह्मण है या कोई दूसरा वंश है? ब्राह्मण है। तो जो साधारण जन्म होता है उसे कहते हैं ब्राह्मण का जन्म हुआ, लेकिन वो ब्राह्मण संपूर्ण नहीं कहा जाता। संपूर्ण कब कहा जाता है? जब द्विज बने, माने जब वो तीन सूत्र को कंधे पर धारण करे, उसको कहते हैं यज्ञ उपवीत। जब तक यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण नहीं बनता है तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जाता। तो ये तीन सूत्र हैं ज्ञान के। ब्रह्मा द्वारा क्या स्थापना होती है? शंकर द्वारा काहे की विनाश, काहे का विनाश होता है, कैसे होता है? और विष्णु द्वारा कैसे पालना होती है, किसकी पालना होती है, कब होती है? ये सारा डिटेल जानने वाली आत्मा स्वयं उस ज्ञान को धारण करे और दूसरों को धारण करने के निमित्त बने, तब कहा जाता है तीन सूत्रों को धारण करने वाला। कंधे पर, कंधे पर जिम्मेवारी धारण की जाती है ना, तो ये तीन सूत्रों को धारण करने वाली जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी जो ब्राह्मण धारण करेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, उनको कान से गंदी बातें नहीं सुननी है, कान बांध के रखते हैं। काहे से? तीनों धागों से कान बांध लेते हैं। कोई गंदा काम करने जाएंगे तो क्या करेंगे? हैं? ईश्वर की याद के सिवाय और दूसरी बात याद नहीं करना चाहिए, दूसरा ज्ञान बुद्धि में नहीं होना चाहिए। स्पेशल कान बांध के रखते हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। और बाबा, बाबा ने बोला है कि अंतिम समय में लास्ट गाड़ी खड़ी होगी माउंट आबू जाने के लिए। खड़ी होगी, लास्ट गाड़ी ही मिलेगी, जो उसमें बैठ जाएंगे वो बैठ जाएंगे। सन 47 में पता कैसे चला था? जिनको वो लास्ट गाड़ी मिल गई और निकल गए, और जो रह गए वो दूसरी गाड़ी में गए तो मारे काटे गए। ऐसे ही फिर होगा, जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा उनको गाड़ी मिलेगी, नसीब होगी। जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया होगा उनको गाड़ी छूट जाएगी। वो पहली गाड़ी मिलेगी, उसके बाद जो गाड़ियां मिलेंगी वो सब कट जाएंगी, खून खराबा हो जाएगा। भाई ने जो कुछ लोग स्कूल गाड़ी की बात है, ओहो, 77 में जब एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई थी तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही परिवर्तन हुआ था या स्थूल दुनिया में भी परिवर्तन हुआ था? है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी परिवर्तन हुआ था। जैसे स्थूल दुनिया में परिवर्तन हुआ था, 76 में जयप्रकाश नारायण निकले,
कहां से? गुजरात से। और उन्होंने जनता पार्टी बनाई। क्या नाम था? जानता या अज्ञानता? जानता पार्टी थी। जानता पार्टी तो हम जानते हैं कौन है, रुद्रमाला है या विजयमाला है? रुद्रमाला। 76 से पहले थी क्या? नहीं थी। वो सन 76 में ही पहले इमरजेंसी लगी थी। बाहर की दुनिया में भी इमरजेंसी लगी थी और ब्राह्मणों की दुनिया में भी इमरजेंसी लगी थी। तख्ता पलट गया था। इसका इंदिरा गांधी का, वो गंदी के अंदर क्या भरा हुआ था? डरा। इन डरा, क्या डर? डर भरा हुआ था कि मैंने जो खराब काम किए हैं ऐसा ना हो मैं पद दलित कर दी जाऊं। तो हो गया। एक साल के लिए इंदिरा गांधी का कुर्सी खलास हो गई, पलट गई। जनता पार्टी गद्दी पर बैठ गई। परंतु जो गलती बाहर की दुनिया में हुई वो अंदर की दुनिया में भी हुई। बाहर की दुनिया में जनता पार्टी ने गलती की कि ऑल इंडिया पर इतना दबाव नहीं दिया, दिल्ली के ऊपर सारा दबाव दे दिया। दिल्ली की तो 7 सीटें जीत ली और ऑल इंडिया का घेराव नहीं किया। बाबा ने मुरली में बताया है किसी देश को जीता जाता है तो चारों तरफ से घेराव डालते हैं, फिर राजधानी में आक्रमण करते हैं, फिर जीत लेते हैं। तो जनता पार्टी से ये भूल हो गई, इसलिए एक साल के बाद फिर से जनता पार्टी का राज्य खलास हो गया। परंतु फाउंडेशन तो हो पड़ गया जनता पार्टी का। तो जो बाहर की दुनिया में होता है स्थूल रूप में है, वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी सूक्ष्म रूप में चलता है। माउंट आबू एक गाड़ी जाती है क्या? चारों तरफ से गाड़ियां नहीं आती हैं? दक्षिण भारत से गाड़ी नहीं आती है? उत्तर भारत से नहीं जाती है? पूरब से नहीं आती है? पश्चिम से नहीं जाती है? अरे जब आवाज निकलना होगी तो और ढेर की ढेर गाड़ियां बढ़ जाएंगी। और माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी। हाँ जी। तो गेट का बेहद का अर्थ क्या है? गेट का बेहद का अर्थ है सुख शांति की दुनिया का संगठन बन जाएगा। उसका फाउंडेशन अभी पड़ चुका है। जब मकान का फाउंडेशन पड़ता है तो चारों तरफ से पर्दे से उसको ढक दिया जाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया का फाउंडेशन काशी नगरी में कहां पड़ रहा है पता है? दिखाई पड़ रहा है? दिल्ली में कहां? एड्रेस बताओ। पता है? दिल्ली में ये तुमने क्या बड़ी बात बता दी? ये तो बाबा ने ही बता दिया। दिल्ली में जमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होगा। तो दिल्ली तो है ही जमुना के कंठे पर, इतना बताना कोई बड़ी बात नहीं हो गई। एड्रेस चाहिए। तो जैसे वहां फाउंडेशन गुप्त डाला जाता है दुनिया में नए मकान का, ऐसे ही नई दुनिया का फाउंडेशन भी गुप्त में पड़ चुका है। और थोड़े ही टाइम के बाद वो नई दुनिया भी प्रत्यक्ष होगी। जिसका फाउंडेशन भक्ति मार्ग वालों ने अभी भी डाल दिया, वहां जमुना के कंठे पर एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, बड़े लंबे चौड़े एरिया में अक्षरधाम, वो उन्होंने यादगार बनाई है। अक्षर, क्षर माने जो कभी क्षरित होता ही नहीं, गिरता ही नहीं, नाश होता ही नहीं,
अविनाशी दुनिया 2500 वर्ष के लिए स्थापन हो गई। वो तो उन्होंने भक्ति मार्ग वालों ने स्थूल रूप में बना दिया, उसकी बात नहीं है। ऐसी राजधानी का फाउंडेशन पड़ रहा है जो 2500 साल तक वो फाउंडेशन हिलेगा ही नहीं, इसलिए उसका नाम भक्ति मार्ग वालों ने भी डाल दिया अक्षरधाम। और बच्चों ने शब्द नहीं बोला, ये बोला है बाप को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। माना दुनिया में गालियां देते हैं एक दूसरे को, क्यों देते हैं? है दुखी करने के लिए गालियां देते हैं ना, तो सबसे जास्ती गालियां किसको दी हैं? है भगवान को दी हैं। और भगवान को भी गालियां बाहर वालों ने दी हैं या बाप के बच्चों ने सबसे जास्ती दी हैं? है तो माया अभी फाइनल पेपर लेने वाली है, फाइनल पेपर ले ले करके एक एक को फेल करेगी। आठ निकलेंगे पास विदानर, बाकी सब फेल हो जाएंगे। तो जो फेल हो जाएंगे वो बाप की पहचान की बात है या कोई दूसरी परीक्षा है? बाप की पहचान की परीक्षा होगी, कितने निश्चय बुद्धि हैं या नहीं है। और निश्चय बुद्धि है तो कहां तक निश्चय बुद्धि है? निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। विनश्यते होते हैं तो कोई शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा, पद नष्ट हो जाएगा। आश्रम तो जाते हैं तो बाबा के बारे में किसी को बोलते हैं तो बाबा को बहुत गाली देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा बाबा ने ये खिचड़ी के अंदर हाड़ ये गुण सब दे करके तुम्हें ऐसा पलटा क्या है, तुम संता है? खिचड़ी के अंदर ये जो हाड़ क्या हड्डी मिला करके तुमको खाने के लिए दे दिया, इसमें तुम ऐसा हो रहा है। और हम जैसे सबको मारपीट कर रहे हैं अभी आपको भी मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसे भी बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे? आपकी मारपीट करते हैं? बीके वाले मारपीट करते हैं, मारपीट करते हैं, तो आप कुछ मत करो। ये बाबा कहते हैं किसी को क्रोध आता है तो तुम वहां से भाग जाओ, फिर भी अगर पकड़ के मारपीट देता है तो कम से कम पुलिस में रिपोर्ट तो करनी चाहिए। भले नहीं करो, अच्छी बात है, हम कोई बाहुबल नहीं चलावेंगे। हमको बाप ने योग बल सिखाया है या बाहुबल सिखाया है? योग बल सिखाया है। अगर है तो योग बल चलाओ, बाहुबल तो हमें चलाना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोई गलत रास्ता अपनाया है श्रीमत के बरखिलाफ, तो बाप का डायरेक्शन यही है कि पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के अपनी जांच करानी चाहिए और दोनों तरफ से कागज लेना चाहिए, पुलिस से भी कागज लेना है FIR का और हॉस्पिटल से भी। हाँ, जो मेडिकल टेस्ट कराया है उसकी जांच का कागज लेना है। अगर पैसे हैं तो कोर्ट में केस कर दो, अगर नहीं है तो हेड ऑफिस में भेज दो कागज। धर्मराज एक एक की खुलिया तंग कर देगा, तुमको चिंता करने की दरकार नहीं। शंकर शंकर हो गया, ये शंकर का हो गया, बोले शंकर पार्टी का। लेकिन शंकर धर्मराज तो नहीं बोला, बाबा
सिबाबा बीच में कब खुश हो जाएंगे? हैं? शिव बाबा कब गुप्त हो जाएंगे? कोई पूछते हैं ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी माना कब बंद हो जाएंगे? उनके सर में दर्द होता है, ये ब्रह्मा बाबा और ये शिव बाबा ये कब तक धंतूड़ा बजाते रहेंगे? हैं? हमें तो पवित्र रहने में बड़ी मुसीबत हो रही है। बिलायत में रहने वालों को क्या नहीं मिलता है? भारतीय भारत का सुख क्यों नहीं मिलता है? क्यों? अभी जो लक्ष्मी है वो बिलायत में है, जो लक्ष्मी के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो बिलायत में है या स्वदेश में है? उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको सबसे जास्ती सुख मिलेगा, ये तो गलत बात हो गई। मुरली में पॉइंट है क्या? बिलायत में रहने वालों को, जो बिलायत में सदा काल के रहने वाले हैं, जन्म जन्मांतर बिलायत में उनका पार्ट चलता है, उन आत्माओं की बात है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट ही नहीं होती, अपने धर्म की पक्की हैं। और बाबा कर्ण कौन है? कर्ण कर्ण महाव कर्ण कर्ण माने क्या? अरे कर्ण माने नाक या कर्ण माने बाल? कर्ण माने क्या? कान। और कान सबसे पहले किसके सुनते हैं? शिव बाबा की जब मुरली चलती है तो सबसे पहले कान किसके सुनते हैं? हैं? ब्रह्मा बाबा के कान सुनते हैं। तो कर्ण कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा कर्ण हुआ। युद्ध में जो स्थिर रहे, कर्ण ब्रह्मा बाबा ओहो, युद्ध में स्थिर कब रहा? जब हार्ट फेल हो गया उस जन्म की बात है, या जब ज्ञान ले लिया, ज्ञान धारण कर लिया तब की बात है? कब की बात है? हाँ, जब एडवांस को ज्ञान को धारण कर लिया तब युद्ध में स्थिर रहता है। हार्ट फेल होकर के भागने वाला नहीं है। कहाँ युधिष्ठिर है और कहाँ हार्ट फेल होकर के हिम्मत हार जाना, ये तो दो अलग अलग बातें हो जाती है। और विष्णु का आलान करना मतलब है? विष्णु का आलान करो। हाँ, तो इसका मतलब हम अपने जीवन में जितने पवित्रता को धारण करेंगे, हैं? जितने जितने पवित्रता को धारण करेंगे, हाँ, वो सबको ही आलान हो जाएगा, या जैसे हम बाबा को कैसे याद करते हैं ऐसे ही याद करेंगे? ब्रह्मा बाबा को कैसे आवाहन किया जाता है? है? माउंट आबू में जाते हैं बेसिक ब्राह्मण के संगठन, तो वहाँ ब्रह्मा बाबा का आवाहन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। जैसे उनका आवाहन करते हैं ऐसे हमको डायरेक्शन मिला हुआ है, विजयमाला का आवाहन करो, जैसे कहा जाए। शहद की मक्खियों का आवाहन करो, तो जो होशियार आदमी होगा वो क्या करेगा? रानी मक्खी का आवाहन कर लेगा, शहद की मक्खियों का आवाहन स्वतः ही हो जाएगा। तो ऐसे ही है, पुरुषार्थ करो। अब पुरुषार्थ करने की गति अपनी अपनी अलग अलग है। और बाबा माउंट आबू में जो ब्रह्मा को याद करने का आवाहन करते थे, उन्हें पता ही नहीं है कि गुलजार दादी में शिव आता है, भगवान आता है या ब्रह्मा आता है। वो तो यही समझ के याद करते हैं कि भगवान याद भगवान आता है। पहले ज्ञान चाहिए ना,
ज्ञान युक्त आवाहन काम करता है असली या अज्ञानता काम करती है? ज्ञान युक्त होना चाहिए। कौन जो मानता अपने? हाँ, तो ये गलत याद करते हैं या सही याद करते हैं? आपने बताया कि इससे ही मतलब वैष्णव देव को इससे ही मतलब आवाहन करना। हाँ, मुरली में तो बोला है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर ये पतित हैं या पावन है? हैं? फरिश्ताएं तो पावन होते हैं। तुम बच्चे भी पहले फरिश्ता बनते हो फिर देवता बनेंगे। फरिश्ता उनको कहा जाता है जिनका फर्श की दुनिया पर पांव नहीं पड़ता। बुद्ध रूपी पांव की बात है, ये तो पतित दुनिया है। पतित दुनिया में देवताओं के भी पांव नहीं पड़ते, फरिश्ताओं के भी पांव नहीं पड़ते, वो तो पवित्र होते हैं। तो पवित्र में शिव बाप आवेगा? आवेगा? पवित्र में तो शिव बाप आता ही नहीं, तो ब्रह्मा में कैसे आवेगा? तो ये आवाहन का मतलब फिर क्या हो? बाबा ने बोले कि वहां जैसे आवाहन करना यहाँ जैसे आवाहन करना है, मतलब यहाँ जैसे आवाहन करते हैं ऐसे वैष्णव देव के आवाहन करना। अब हम समझ के आवाहन करते हैं, हम तो जानते हैं कि विजयमाला की जो मुखिया है पहला मणका है वो ही विजयमाला को अपने पीछे पीछे लाने वाला है। हम उस आत्मा को खींचेंगे बाबा की याद में तो विजयमाला के सारे मण के पीछे पीछे खींचे चले आएंगे। उस आत्मा का आवाहन करना माना सन्यासियों का झुंड आने लगेगा। मुरली में बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ये ऊंचे से ऊंचे सन्यासी हैं सफेद कपड़े वाले, सब नहीं है उनमें, सन्यासी भी भांति भांति के होते हैं। कोई कोई तो ऐसे होते हैं भीख मांगते हैं और भीख मांग के पैसा इकट्ठा करके रात को शराब पी के सो जाते हैं। उन सन्यासियों की बात नहीं है, उन सफेद कपड़े वालों की भी बात नहीं है जो कंक्रीट के मकान बनाते रहते हैं और आयशो आराम से रहते हैं। गृहस्थी लोगों के पास जितना ऐशो आराम नहीं होता है उससे कई गुना उनके पास होता है। उन सन्यासियों की बात नहीं है जो सच्चे त्यागी और तपस्वी सन्यासी हैं। उन सन्यासियों के निकलने पर तुम बच्चों का नाम बाला हो जाएगा। तो विजयमाला निकलेगी और तुम्हारी विजय हो जाएगी और वो झुंड के झुंड निकलेंगे। रुद्रमाला के मणके तो एक एक करके निकलते हैं बड़ी मुश्किल से, वो एक निकलेगा तो एक के पीछे सारा मनारा निकलेगा। जानकी दादी को तो क्या हो है? जानकी दादी तो एक है तो झूठ आएगा उनको बनती से। जानकी दादी क्या? जानकी दादी जो रेड है उनको उनका आह्वान करने से तो सारा झूठ आ जाएगा ना। जानकी दादी को आह्वान करने से सारा झुंड आ जाएगा? जानकी दादी विदेशों की इंचार्ज है और रही थी, थी ना, तो विदेशियों का झुंड आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारी बुद्धि खराब कर देगा। है बीके की हेड है? हाँ हाँ, बीके की हेड है, वो तो मालूम है सबको कि भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में ऐसा चलता चला आया है, एक गुरु मर गया तो उसको पीछे दूसरा गुरु गद्दी पे बैठा देते हैं। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कौन गुरु गद्दी बन बैठ गया? कुमारका दादी। कुमारका दादी मरी तो जानकी दादी, वो तो गुरु के पीछे गुरु, गुरु के पीछे गुरु निकलते ही चले जाएंगे। मिलेगा क्या तुमको उनका आवाहन करने से? तुमको क्या मिलेगा? अभी जो विदेश में है तो ये
अरे विदेश में हो चाहे स्वदेश में हो चाहे जहन्नुम में हो कहीं भी हो, वो भक्ति मार्ग वालों को फॉलो करने से हमको क्या मिलेगा? और जो हम अभी जो आह्वान करते हैं वो भी विदेश में है, जिसको तुम आह्वान करते हो या नहीं करते हो वो तो पता लग गया कि तुम जानकी दादी के भगत हो कि किसके भगत हो। भगत नहीं है, पूछने के लिए बोलते हो तो ये है। तुमने एडवांस ज्ञान नहीं उठाया है इसलिए ऐसा कह रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि सन 76 में कौन से लक्ष्मी नारायण का जन्म हो चुका। मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। सन 66 की मुरली है, 66 में 10 जोड़ दो, 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित होना चाहिए। इनको तो पता ही नहीं है, आवाहन कहां से करेंगे? इनको जानकी दादी का पता है तो कान खुजला रहे हैं कि आप क्या करें। बाबा हम आवाहन करते हो। किसका आवाहन करते हो? बोलने के लिए, तो समझने के लिए बोलते हैं। अच्छा 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 है सूक्ष्म शरीर की बात, सूक्ष्म वतन की बात। क्या पूछ रहे? सूक्ष्म वतन की बात और सूक्ष्म शरीर धरी से कनेक्ट। हाँ, इसका मतलब यही है कि जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं उनके लिए कोई स्थान खास की जरूरत नहीं है। लंदन में किसी ने शरीर छोड़ा अचानक, अकाले मौत हुई और उस आत्मा को कोई यहां आवाहन करे तो यहां आ जाएगी, किसी में प्रवेश कर सकती है। उसके लिए कोई स्थान का बंधन नहीं है, वो कोई स्थान में बंधी हुई नहीं है, स्थान से परे हो गई। इतनी सूक्ष्म स्टेज है। जब सूक्ष्म शरीर की इतनी सूक्ष्म स्टेज है तो सूक्ष्म आत्मा की कितनी स्टेज होगी? वो कोई स्थान की बात नहीं है, इसलिए मुरली में उड़ा दिया है। सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो मन के संकल्पों की बात है। बाबा जो मुरली में बताते भूत और प्रेत, भूत और प्रेत, भूत अलग है प्रेत अलग है ना, एक ही है। प्रा एत प्रमाणे प्रकष्ट रूप से, एत माने चला जाए। भूत प्रेत आत्माओं को आवाहन करने में देर लगती है या शरीरधारी मनुष्य को आवाहन करने में देर लगेगी? है शरीरधारी को आने में वाहन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, रॉकेट चाहिए, और भूत प्रेत को खाने में कोई देर नहीं लगती है, तो उसे प्रेत कहा जाता है। उसकी इतनी तीव्र गति है। और गांव में मधुबन खुल गया है, गांव में मधुबन खुल गया। हाँ, तो उस गांव में और संगठन नहीं हुआ क्या? नहीं होगा और किसी परिवार में संगठन नहीं हुआ? गांव में अगर मधुबन खुल गया तो गांव में और कहीं संगठन हो सकता? और कहीं संगठन नहीं हो सकता उसी गांव, उसी गांव में क्यों नहीं हो सकता? क्यों? दिल्ली में एडवांस ज्ञान के दो दो मिनी मधुबन बन गए, कलकत्ते में तीन चार बनने वाले हैं, तो एक गांव में दो नहीं हो सकते? बाबा ने तो कहा गली गली में सेवा केंद्र होंगे, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे, तो क्या बड़ी बात है? संगठन की बात उठा रहे हैं, संगठन की बात उठा रहे हैं। गीता पाठशाला खोल चुकेंगे? हाँ, गीता पाठशाला युगल बना के है ना। हाँ, तुम सब सीताएं हो। हाँ, आपस में युगल हो गए। अरे सीताएं तो हो, लेकिन कौन सी सीताएं हो? रावण ले गया सो सीता तो नहीं हो, ये भी तो बात है। हाँ, तपस्या करने वाली सीता हो या रावण ले गया सो सीता हो। हाँ, अरे भाई युगल है, अच्छी तरह एडवांस ज्ञान उठाया हुआ है, हिंदी अच्छी तरह जानते हैं,
हिंदी का अनुवाद उड़िया में कर सकते हैं, पति पत्नी होशियार हैं तो क्यों नहीं खोल सकते? अरे तुम गीता पाठशाला खोलना चाहते हो तो गीता पाठशाला में पढ़ाई किसने पढ़ाई? अरे गीता पाठशाला में पढ़ाने वाला टीचर कौन था? गीतापति भगवान। तो गीतापति भगवान आकर के क्या करता है पढ़ाई पढ़ा के? नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाता है। तो जो पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिकल में निमित्त है, वो लक्ष्मी नारायण होने चाहिए या रड़ुआ होना चाहिए? अरे अरे हिलो मत, हाँ होना चाहिए। इसीलिए ये नियम है कि युगलों का आगे चल करके बहुत मान होगा। जो युगल होंगे गीता पाठशाला चला रहे होंगे वो पवित्र रहने में, पवित्रता में भी बहुत आगे जावेंगे, क्योंकि आगे चल के जब नाम निकलेगा, नाम वाला होगा, प्रत्यक्षता होगी, तो युगलों की बहुत महिमा होगी। जो हद के युगल है फिर वही हद के और बेहद के युगल, अभी लक्ष्मी नारायण कहाँ से आ जावेंगे? हाँ हाँ वो तो ठीक है, अपने लिए पूछ रहा है, लेकिन अपने लिए क्या करेंगे, शादी करेंगे? हैं बाबा को युगल, बाबा तो दाढ़ी मूछ वाला है। चलो दाढ़ी बना भी लेते हैं, मूछ तो फिर भी रह जाएगी। हैं और बाबा तो इसी चोला धारण भी नहीं करता, करता है क्या? नहीं, स्त्री चोला जहां धारण करे तो मासूक हो जावे, और शिव बाबा तो मासूक है ही। जब मासूक है तो बाकी सब क्या हो गए? आशिक हो गए। तो इसमें स्त्री पुरुष बनाने की क्या बात है? वो तो उसके साथ तो सारे ही संबंध है पहले से ही, बनाने नवाने की तो बात ही नहीं। और हाँ कृष्ण का जन्म तब होता है जब कृष्ण वाली आत्मा पुरुषार्थ में संपन्न हो जाती है। कृष्ण वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। हाँ तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में जब ये बात बैठ जाती है कि मैं गीता का भगवान नहीं हूं, मैं तो बैल हूं अभी, बस फिर बाबा शरीर जितनी सड़ता जाएगा, है शरीर जितनी सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा आत्मा उतनी पावरफुल बनता जाएगा? उतनी नहीं, शरीर सड़ता जाएगा माना पांच तत्व जड़ तत्व है, जड़ तत्व ज्ञान नहीं ले सकते, इसलिए ज्ञान न होने के कारण पांच तत्व तो बिगड़ते ही रहेंगे, इनके उत्थान होने की संभावना नहीं है। उत्थान होने की संभावना किसकी है? आत्मा की। आत्मा चैतन्य है, चैतन्य आत्मा ज्ञान उठा सकती है, इसलिए चैतन्य आत्मा को पावरफुल बनाते रहो। अगर चैतन्य आत्मा पावरफुल है तो भले तुमको ब्लड प्रेशर ही क्यों न हो, भले तुमको कोई खराब बीमारी भी क्यों न लग जाए, भले तुमको शुगर की बीमारी क्यों न लग जाए, तो भी तुम अपना काम ईश्वरीय सेवा छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी पावरफुल आत्मा सड़े हुए शरीर से भी सेवा कराती रहेगी। इसलिए बोला कि शरीर सड़ते जावेंगे और तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जावेगी। हाँ आत्मा है उसका
ये आगे वालों ने सुना नहीं। शंकर की आत्मा जो है वो कृष्ण वाली आत्मा को, कृष्ण वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? शंकर वाली आत्मा हाई जंप लगा के कृष्ण वाली आत्मा बैल को कंट्रोल करेगी, चढ़ बैठेगी? अरे शिव बाबा जानवरों में आता है या मनुष्यों में आता है? मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य में शिव आता है, उसको कहते हैं शंकर। और शंकर की सवारी किस पर दिखाते हैं? बैल पर दिखाते हैं। लेकिन वो सवारी भी बैल पर तब होगी जब शंकर का पुरुषार्थ संपन्न होगा। हाई जंप लगावेगा तो सवार होगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर बिंदु बन के, बिंदु ज्यादा पावरफुल या सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल? बिंदु ज्यादा पावरफुल, भूल जाते हो है बाबा। बेहद का बात तो सदैव स्वस्थिति में रहते हैं। बेहद का बात सदैव स्वस्थिति में रहते हैं। हाँ, ब्रह्मा भी और शिव बाप भी है। वेद का बाप, वेद का बाप तो है लेकिन शिव बाप है आत्माओं का बाप। क्या? आत्माओं का बाप। और प्रजापिता है देह अभिमानियों का बाप। कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं? अरे तुम तो देह अभिमानी हो लेकिन मैं क्या हूं? मैं तुम्हारा भी बाप हूं। इसलिए बोला राम ही क्या बनता है? रावण बन जाता है। और हाँ, कलयुग से सत्ययुग में कितना दूर है? कलयुग सत्ययुग का सुख कितना दूर है? स्वर्ग कितना दूर है? जितनी आत्मा से शरीर दूर है। आत्मिक स्थिति में 100% स्थिर हो जाएं, स्वयं स्थिति में टिक जाएं तो इसी दुनिया में क्या है? इसी दुनिया में स्वर्ग है। और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है? उसका बेहद का अर्थ ये है कि जब बाप आते हैं और जो उल्लू बुद्धि होते हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ता कि सूरज निकल आया है, विश्वास नहीं कर पाते। या तो घड़ी घड़ी विश्वास करते हैं, घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा हो जाता है। उनको कहा जाता है उल्लू की औलाद उल्लू। हाँ, लक्ष्मी की सवारी इसीलिए तो दिखाते हैं। लक्ष्मी साहूकारों के ऊपर सवार होती है या गरीबों के ऊपर सवार होती है? साहूकारों के ऊपर सवार होती है। तो कौन है वो? जो साहूकार हैं, जब भगवान आते हैं तो साहूकार रूपी उल्लू भगवान को पहचानते हैं या दूर रहते हैं? दूर रहते हैं। तो उल्लू तो हुए। और पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू है? पढ़ाई तो पूरी होना मतलब संपन्न बनने के बाद पढ़ाई शुरू होना चाहिए। पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। हाँ, संपन्न बनेगी तो आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। लड़ाई कैसे शुरू होगी? आप संपन्न बनेंगे तो आप संपन्न आत्माओं के साथ रहेंगे या असंपन्न आत्माओं के साथ रहेंगे? हैं? जब आप संपन्न बनेंगे तो देव आत्माओं के साथ आप स्वतः ही रहना शुरू कर देंगे। लक्ष्मी नारायण के साथ ही लक्ष्मी नारायण जैसे ही होंगे। और जो आपके अपोजिशन करने वाले हैं वो लड़ाई करना शुरू कर देंगे। और माउंट में आते हैं
आते हाँ जो वाणी देते हैं वो वाणी का समझ ब्रह्मा बाबा को आता है। जैसे कवियों ने कविताएं की और उन कविताओं का अर्थ शिव बाबा आकर के बताते हैं। तुलसीदास ने रामायण लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, व्यास ने महाभारत लिखा, श्रीमद् भागवत लिखी, या जो भी शास्त्र लिखे उन शास्त्रों का रहस्य लिखने वालों ने जाना या भगवान आकर के बताता है? हैं? भगवान आके बताता है। तो ऐसे ही है, ब्रह्मा बाबा जब याद में रह करके वाणी चलाते हैं तो वाणी में से ऐसे ऐसे शब्द अज्ञाने में निकल जाते हैं कि जिनका अर्थ वो खुद भी नहीं जानते हैं। बाद में वो वाणी जब बीज रूपी याद में रह करके पढ़ी जाती है तो उसका सही अर्थ निकल आता है। जिस अर्थ को वो बेसिक वाले नहीं जानते हैं, एडवांस वाले जानते हैं। ऐसे ढेर महावाक्य हैं अव्यक्त वाणी में जो नए पार्ट को क्लियर करते हैं, लेकिन बेसिक ब्राह्मणों की बुद्धि में उनका अर्थ क्लियर नहीं है, एडवांस वालों की बुद्धि में झट समझ में आ जाता है। है? नई दुनिया आने का टारगेट, नई दुनिया के आने का टारगेट है आप सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा बन जाएं हमेशा के लिए, ये आपका टारगेट है। आप देह को याद ही न करें, मेरी देह है ये याद ही ना आए, मेरी देह के संबंधी है याद ही ना आए, मेरी देह के ये पदार्थ हैं बहुत अच्छे लगते हैं वो रसगुल्ला याद ही ना आए, सिर्फ ज्योतिबिंदु आत्मा ही याद रहे। वो आत्म की स्थिति में स्थिर होना ही हमारा स्वर्ग में जाने का टारगेट है। सीधी सी बातें, सीधा सा ज्ञान है, स्वयं स्थिति में स्थित होना माने स्वर्ग में जाना है। जन्म लेने पड़ेगा ना क्या होगा, जब शरीर यही चिंता मैं याद में बोलते हूँ बाबा को, यही पूछता हूँ बोल रहे कि जब शरीर छूट जाएगा तो फिर जब जन्म लेंगे दूसरा जन्म लेके फिर बाबा के पास आएंगे या क्या करेंगे? अरे ये तो संस्कृत वाली गीता में भी लिखा है, इस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। वो दुनिया भी पढ़ाई पढ़ते हैं, इस जन्म में पढ़ाई पढ़ी वकालत की तो अगले जन्म में वो पढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है कि अगले जन्म में भी जाती है, ईश्वरीय पढ़ाई, इसका विनाश नहीं होता है। तो आपने जो भी ईश्वरीय नाली ली है वो अगला जन्म लेंगे तो भी वहां आप बचपन से ही तीखे हो जाएंगे। ढाई हजार वर्ष पहले प्रशांत महासागर का एक बड़ा भाग टूटा और चंद्रमा खंड जाकर बन गया। तो सतयुग और त्रेता युग में
चंद्रमा था या नहीं था? अरे चंद्रमा रात में होना चाहिए या दिन में होना चाहिए? सतयुग और त्रेता दिन है या रात है? दिन है। तो दिन में चंद्रमा का क्या काम? जब बड़ा विनाश होगा, पृथ्वी जोर से और लौट पौट होगी, नौ ग्रह आपस में टकराएंगे, तो चंद्रमा आकर के पृथ्वी से जुड़ जाएगा। जो प्रशांत महासागर का बड़े से बड़ा गड्ढा है वो सारा भर जाएगा, तो उसका पानी सारा ऊपर आ जाएगा। ऐसे भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ जमे हुए हैं। वो एटम बम फटने से वो पहाड़ सारे पिघल करके समंदर में आ जाएंगे, तो वो पानी भी समंदर में आएगा। और ये प्रशांत महासागर का पृथ्वी का तीसरा हिस्सा, बड़ा गड्ढा, वो भर जाएगा तो पानी और ऊपर जाएगा, तो सारी पृथ्वी में क्या हो जाएगी? जलमयी हो जाएगी। भारत का थोड़ा सा खंड बचेगा। जम्बूद्वीप जिसे कहा जाता है। ओम शांति।